तो क्या होता अगर जब लापता एसएमपी के मेंबर पॉकेट एडिशन खेलते हैं? तो ये हूँ मैं फिज गेमर का बेस ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि उनने मुझे कल एफके करते वक्त मार दिया था और मुझे पता भी नहीं चला था। तो आज मैं उनका बेस उड़ाने वाला हूँ और वो रही नदर फोर्ट्रेस। और आज तो मैं उनका बेस ढूंढ के ही रहूँगा और आज तो उनका बेस उड़ा ही दूंगा। आसपास तो कुछ नहीं दिख रहा है। और अच्छा, वहाँ पर कॉबल स्टोन लगा है, इसका मतलब कोई ना कोई तो आया था वहाँ पर। काश कि मेरा लक अच्छा हो और वो फिज गेमर का ही बेस हो, और मैं आज तो उनके बेस को नहीं छोड़ूंगा। और अगर वो भी दिख गए तो आज तो उन्हें भी नहीं छोड़ूंगा। भले मेरी पीवीपी बहुत अच्छी है, उनसे बहुत अच्छी पीवीपी है मेरी। और अभी यहाँ पर कोई तो नेदर पोर्टल तो दिख नहीं रही है आसपास में, वो रही नेदर पोर्टल। तो अपन चलो चलते हैं उसके अंदर, और मुझे पक्का पता है वो किसी ना किसी का तो बेस होगा। अगर फिज गेमर का नहीं होगा तो किसी ना किसी का तो होगा। चलो और चलते अपन। और यहाँ पर किसका बेस है ये? और ये है अपना, पता नहीं किसका बेस है ये, लेकिन मुझे लग रहा है कोई ना कोई तो आया यहाँ पर, क्योंकि ऐसा दिख रहा है। मतलब सारे लुटे रहे हमारे एसएमपी के मेंबर्स, और वो देखो वहाँ पर टावर भी है, इसका मतलब कोई ना कोई तो आया यहाँ पर और कोई पक्का लूट के गया है। और यहाँ पर देखते आसपास में कुछ नहीं है, और लूटने की भी कोई ज़रूरत नहीं है इस विलेज को, क्योंकि ये पहले से लूटा हुआ है। तो मैं आपको रुको इस रूम में एक चीज़ बताता हूँ कि और आसपास में तो कोई नहीं है ना, चलो, क्योंकि अगर किसी ने देख लिया तो वो मार देगा। तो मेरे पास में इतने सारे टीएनटी, और मैं बस कुछ ही नहीं करने वाला हूँ, बस थोड़ा सा ही काम करने वाला हूँ। तो मैंने अभी थोड़ा सा ही काम किया, मतलब थोड़े से टीएनटी लगाए हैं, और ये मेरे हिसाब से फिज गेमर का ही बेस है। तो चलो अभी यहाँ पर अपन थोड़े से टीएनटी फोड़ देते हैं यहाँ पर। और बारिश भी होने स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि वो भी पता है कि फिज गेमर का बेस आज तो उड़ने ही वाला है। तो वो भी बादल भी दुखी हो रहे हैं, मतलब वो खुश हो रहे हैं। हाँ, खुश हो रहे हैं। तो देखो यहाँ पर मस्त सी बारिश हो रही है, और आयरन कॉलम है, और बिजलियाँ भी कड़क रही है, देखो इतनी खतरनाक खतरनाक। और बिजलियाँ कड़क रही है, इसका मतलब कि यहाँ पर भी बिजली कड़क सकती है टीएनटी के ऊपर। मैंने कुछ ज़्यादा ही लेट सोच लिया और टीएनटी फटने लग गया। अरे मैं क्या करूँ, बहुत टीएनटी यार, यहाँ पर गेम क्रैश हो जाएगा मेरा। तो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है गाइस, बस थोड़ा सा ही हुआ है, बस मैं तो बच गया हूँ। बस थोड़ा सा ही फोड़ा है, भले किसी का भी बेस हो लेकिन थोड़ा सा ही फोड़ा है। बस बहुत कम ही टीएनटी थे, ज़्यादा टीएनटी बिल्कुल नहीं थे। और अब ये मत पूछना मेरे पास उतने टीएनटी कैसे आए थे, बस थोड़ा बहुत ही डैमेज हुआ है इस किसी के भी बेस को। यो फिज भाई, आप जानते नहीं हो, इस बार तो मैं आपको मार ही दूंगा। आप हर बार भाग जाते हो, लेकिन इस बार तो मैं आपको नहीं जाने दूंगा। और आपके पास कोई आर्मर भी नहीं है, और आप रेडी भी नहीं हो। वैसे तो मेरे पास भी आर्मर नहीं है, लेकिन आप इस बार रेडी भी नहीं हो। शैम्पू भाई, आप जानते नहीं हो मुझे, अभी मैं क्या करूंगा, आप थोड़ा सा भी नहीं जानते हो उसके बारे में। यो, आप तो इस बार कुछ कर ही नहीं पाओगे, आप तो भाग भी नहीं सकते हो, माउंटेन का एंड तक आ चुका है। तो शैम्पू भाई, इस बार तो आपको पता नहीं पड़ेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो अभी आप देखो कि यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, आपको पता नहीं है पॉकेट एडिशन है, और इसमें गॉड ब्रिजिंग कर सकते हैं। और अभी मैं आपसे ऐसा भागूंगा, और ये उड़ कहाँ से रहा हूँ, बैरियर है, किसी को पता चल जाएगा, हटा। हाँ, तो आपको पता नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, मैं एकदम गॉड ब्रिजिंग करके भाग जाऊँगा और आपको दिखूँगा भी नहीं मैं इतनी तेज। यो भाई, तेज तो ठीक है, लेकिन आप इस बार तो नहीं भाग पाओगे, इस बार तो अब मैं आपको मार ही दूंगा। नहीं शैम्पू भाई, इस बार आप जाओ शैम्पू लगा दे, क्योंकि आपको एक चीज़ पता नहीं है कि मैं इस सर्वर का ओनर हूँ, और अभी मैं F3 F4 दबा के क्रिएटिव में चला जाऊँगा। और अरे है क्रिएटिव में नहीं, अच्छा पॉकेट एडिशन था यार। तो ये हूँ मैं लापता एसएमपी में, आज एक बहुत ही खतरनाक सा बिल्ड बनाने वाला हूँ वुड का। तो अभी अपन यहाँ पर एक प्लेन एरिया ढूंढते हैं। तो अभी अपन यहाँ पर आ चुके हैं, मुझे तो नहीं लगता कि आसपास में कोई प्लेन एरिया होगा यहाँ का, लेकिन तब भी ढूंढ लेते हैं अपन यहाँ पर कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है। तो ये है यहाँ पर प्लेन एरिया, यहाँ पर मैं बिल्ड बना सकता हूँ मेरा वुड वाला। और सबसे इलीगल प्लेयर, मतलब अपने पास कुछ कंटेंट रहता नहीं, इसलिए बार बार इलीगल ही याद रह जाता है। तो मेरे पास इतनी सारी वुड है, आप पूछोगे कि कैसे आई वो सारी वुड। हेलो भाई, हम चलते हैं मिस्टर लप्पू का 555वीं बार पप्पू बनाने, और बार बार इन्हें यहाँ पर ऑब्जीडियन बॉक्स में ले आते हैं और इन्हें पप्पू बना देते हैं, यही इनकी पप्पू स्पॉट है। तो मिस्टर लप्पू भाई, आप मुझे वो सारी वुड दे दो, और मैं आपको उसके बदले में ड्रैगन एग दूंगा, मतलब 64 नहीं, मतलब पता चल जाएगा कि फिज गेमर हमें क्रिएटिव देते हैं। हाँ, मतलब एक ड्रैगन एग, मतलब ड्रैगन एग तो एक ही होता है, ड्रैगन एग दूंगा मैं आपको। तो लो एलेक्सा भाई, आप ये सारे वुड रख लो, और उसके बदले मुझे एक ड्रैगन एग दे दो। लो ये सारी वुड आप। हाँ मिस्टर लप्पू भाई, आप ये सारी वुड दे दो मुझे, और मैं अभी आपको ये ड्रैगन एग देता हूँ। लो आप ये ड्रैगन एग। अरे MBBS भाई, स्टेटस करो। अरे वो एंडर पल्प फेंकी थी ना वहाँ पर,
अब क्या बोल रहे हो कि पॉकेट एडिशन में स्टेटस चैम्बर नहीं बनता, मतलब अच्छे से एंड्रपल काम नहीं करती। अरे मिस्टर लप्पू भाई, क्या आप मुझे जाने दे सकते हो क्या? कुछ दिक्कत आ चुकी है हमारे प्लान में, मतलब हाँ ठीक है यार, जाने दो ना यार मिस्टर लप्पू भाई। यार पीएसजी भाई, मतलब एमबीबीएस भाई, यार क्या करते हो? तो आप जान चुके हो मेरे पास इतनी सारी वुड कैसे आई, और ये पिक क्या बोल रहे हैं कि इसमें पॉकेट एडिशन में बिल्ड बॉन्ड नहीं होता। यार अब अपन चुल्लू भर पानी में ही डूब मरते हैं, क्योंकि अपन को कुछ बनाना तो आता नहीं है। फिर मैं चला गया संन्यास पे, तो चलो अभी चलते अपन बोट क्लच करके, क्योंकि 2 मिनट का संन्यास ले चुके अपन। तो चलो आ गए अपन नीचे, और यार ये बोट क्लच भी नहीं होती यार, मैं वापस ऊपर थोड़ी चढ़ूंगा, वापस ऊपर संन्यास लेने जा रहा हूँ मैं तो। वहाँ तो MBBS भाई आपके पास तो कोई है भी नहीं, इस बार कहाँ भागो? अब जानते नहीं हो टोपी भाई कि मेरे पास क्या है, मेरे पास 2 पैर है और अभी मेरे पास कोई नहीं है, तो मैं भागने वाला हूँ, और इतना तेज भागने वाला हूँ कि आप मुझे पकड़ भी नहीं पाओगे। टोपी भाई आपका तो टोपा बन गया, और मैं निकल भी जाऊँगा और आप कुछ कर भी नहीं पाओगे, आप आज नहीं पकड़ पाओगे MBBS भाई को। अब तो निकल ही जाऊँगा मैं, और आप इसीलिए मेरे पीछे पड़े हो ना, क्योंकि मैंने आपको चड्डी गैंग में नहीं आने दिया था, और मैं आने भी नहीं दूंगा, और आप कुछ कर भी नहीं पाओगे, आप मुझे पकड़ भी नहीं पाओगे, आपको बस कॉपी करना ही आता है, और आप पकड़ भी नहीं पाओगे मुझे, आपको भागना भी नहीं आता है। तो चलो जल्दी जल्दी अपन चलते हैं यहाँ पर, और इन्हें अपना प्लान पता नहीं है, और चलो यहाँ पर आ जाते हैं अपन, और इन्हें अभी तक अपना प्लान तो पता नहीं है। MBBS भाई इस बार क्या करोगे, आपके पास तो कोई है भी नहीं, और इस बार तो आप मरी जाओगे, आप मुझे चड्डी गैंग में नहीं लेते ना, इस बार तो आप मरी जाओगे, और अब तो आप गए, आपके आसपास में आपके बॉयज भी नहीं, आप कुछ कर भी नहीं सकते। तो टोपी भाई आप मतलब 3 बार बोलने की तो जरूरत नहीं है, शायद तक आप रूल नहीं जानते हो कि नेवर मैच विद चड्डी गैंग, और रूल नंबर 2 चड्डी गैंग नेवर कम्स अलोन। तो बॉयज, अरे लिखना भी पड़ता है ना, अरे अरे बॉटम बॉयज, और यहाँ पर आया भी नहीं, अरे यार चैट में बॉयज भी नहीं है, लेकिन वो आ ही जाएंगे। अब आप क्या करोगे टोपी भाई, आप जानते नहीं, और अभी तक आए क्यों नहीं यार वो लोग? और मिस्टर लप्पू भाई आप क्या कह रहे हो कि आपके ज्वाइन नहीं हो पा रहा सर्वर, और क्या बोलना है आपका कि आपको बवासीर हो रही है इसलिए आप अभी आ नहीं सकते? तो अभी मेरे सामने टोपी भाई, अब मैं क्या करूँगा यार, जान दे सकते हो टोपी भाई? तो MBBS भाई अब तो आप कुछ कर भी नहीं सकते, अब तो आप कहीं पर भाग भी नहीं सकते, अब आप क्या करोगे? तो आप जानते नहीं हो लगता है टोपी भाई कि मेरे पास में 2 पैर है, और मैं अभी भागने वाला हूँ वापस से, और आप मुझे पकड़ भी नहीं पाओगे, तो जल्दी जल्दी भागना पड़ेगा इन टोपी भाई से, और इनको वैसे ही कॉपी करने के अलावा कुछ आता है नहीं। तो चलो जल्दी जल्दी भागते अपन, वरना ये मुझे पकड़ के मारेंगे, और आसपास में कोई है भी नहीं, और मैं PvP पे भी मतलब बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, बहुत ही अच्छा PvP कर लेता हूँ मैं। और ये यहाँ पर लावा पूल रहा, तो चलो यहाँ से छलांग मार लेते हैं, वैसे भी कॉपी भाई से मतलब कॉपी भाई से कुछ होगा नहीं। आ ही रहा हूँ मैं बस MBBS भाई, और यहाँ पर लावा पूल है, अरे रुका ही नहीं है, अरे यार मर गया मैं, बताया क्यों नहीं आपने? यार क्या करूँ अब,